सबको जय मसीह की। जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं ऐसे एक स्थान, ऐसे एक जगह जिधर प्रभु यीशु मसीह खो गए थे, और ये है ओल्ड सिटी यरूशलम, यरूशलम का पुराना शहर। हाँ जी, यहाँ प्रभु यीशु मसीह खो गए थे। तो प्रभु यीशु मसीह जो खो गए थे, इसके बारे में बाइबल में कहाँ कहाँ लिखा गया है, चलिए हम देखते हैं बाइबल में किधर लिखा गया है। अगर आपके पास बाइबल है, अगर आप बाइबल खोलना चाहते हैं तो मेरे साथ खोल सकते हैं। लूका की किताब 2:41 से लेकर 47, 41 से लेकर 47 तक अगर हम पढ़ेंगे तो हम जान सकते हैं। तो मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, पढ़ना पसंद करूँगा। 41 लुका 2:41 यहाँ इसी प्रकार लिखा गया है, उसके माता पिता प्रति पर्व फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। 42 जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। 43 जब वे उन दोनों को पूरा करके लौटने लगे तो बालक यीशु यरूशलेम में रह गया, और यह उसके माता पिता नहीं जानते थे। 44 वे यह समझकर कि यह अन्य यात्रियों के साथ होगा एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। 45 पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए। 46 और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। 47 जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उनकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये देखिए यरूशलेम का क्रूसिफिकेशन और रेजुरेक्शन बिरुहल, ये सब साइड को हम देखेंगे। आप खुद देख सकते हैं, जी हाँ, तो वो यीशु मसीह खो गए थे। हम ये नहीं कह सकते कि प्रभु यीशु मसीह खो गए थे, लेकिन ऐसे लिखा गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानबूझकर मंदिर में रह गए थे, इसलिए जब उनके पिता माता ने प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे हैं, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो प्रभु यीशु मसीह का उत्तर क्या था? प्रभु यीशु मसीह के उत्तर ये था, मेरा जो स्वर्गीय पिता है उनकी घर में रहना ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा काम है। इसलिए आइए हम आज की वीडियो को समझते हैं, समझने के लिए कोशिश करेंगे। जैसे कि हमने देखा प्रभु यीशु मसीह मंदिर में रह गए थे, हम देख सकते हैं। तो ये बाइबल में जितने भी वचन है उन वचनों में से ये जो बात हमने देखा ये एक सच्ची घटना है। सिर्फ ये नहीं, पूरी बाइबल सच है।
हम पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि ये सच है ये गलत है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जितना भी वचन है सारे वचन सच है। ये आप लोग जानते हैं और हम भी जानते हैं। तो इधर क्या होता है, प्रभु यीशु मसीह का जो पिता माता यूसुफ और मेरी, उन्होंने हर साल उन्होंने क्या करते थे ये काम, वो यरूशलेम में जाते थे, जाने आने करते थे। ये उनकी रीति रिवाज था उसी टाइम यहूदी लोगों का। तब क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह को जब 12 साल हो गया, उन्होंने ये सोचा कि हम भी यीशु मसीह को साथ ले चले। जब उन्होंने यरूशलेम पहुंचे तो क्या हुआ, प्रभु यीशु मसीह उधर नहीं थे, प्रभु यीशु मसीह उधर बिल्कुल भी नहीं थे। और उसके बाद उन्होंने बहुत ढूंढा लेकिन प्रभु यीशु मसीह को नहीं पाया। तो जब उन्होंने सबको पूछ लिया कि उधर से भी कुछ भी रेस्पॉन्ड नहीं मिला, तो उन्होंने फिर से मंदिर आया तो उन्होंने जो दिखा उन्होंने अचंभित हो गया, चकित रह गए। वो क्या था, प्रभु यीशु मसीह सिर्फ 12 साल का लड़का, आप सोच सकते हैं सिर्फ 12 साल का लड़का बड़ा बड़ा पंडित लोगों के साथ शास्त्र की बारे में डिस्कशन करते हैं। जी हाँ, ये आश्चर्य की बात नहीं है क्या, एक बहुत बड़ा पंडित के साथ अगर एक 12 साल की बच्चे को अगर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। तो उसी दिन क्या हुआ, उनकी जो पिता माता थे उन लोगों ने दूसरों को पूछा, ये देखिए ये माता मरियम का कब्र है, सॉरी ये जो मेरी मगदलिनी उनकी कब्र है, हम देख सकते हैं गेतसेमनी बगीचे को हम देख सकते हैं दूर से। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आज हमने देखा प्रभु यीशु मसीह कैसे मंदिर में रह गए थे। तो किधर ये घटना कहाँ हुई थी, थोड़ी देर पहले आपने जो देखा वो था वही जगह जिधर प्रभु यीशु मसीह खो गए थे, वेलिंग वॉल जेरूशलम। क्या आप देख सकते हैं वेलिंग वॉल यरूशलम, यहाँ देखिए ये जो वेलिंग वॉल है यहाँ लोग प्रार्थना करते हैं, वॉल की तरफ अपनी मुंह को रख कर वो क्या करते हैं प्रार्थना करते हैं। और ये जो प्रार्थना है तो यीशु मसीह का द्वारा कह गया, ये इसी तरह का प्रार्थना नहीं है। प्रभु यीशु मसीह क्या कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा जब तुम्हें प्रार्थना करना है तो तुम अपने घर जाओ, कुठरी और खिड़की सब कुछ बंद कर दो और सिर्फ उसी को प्रार्थना करो। हालेलुया हालेलुया, सबको जय मसीह की। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो दूसरों के साथ शेयर कीजिए। द टॉम्ब ऑफ किंग डेविड इज लोकेटेड हियर आज इट इज द रोम ऑफ द लास्ट सुपर। जी हाँ, ये आप जो देख रहे हैं इधर राजा दाऊद की कब्र भी है। जी हाँ,
आप देख सकते हैं राजा दाऊद की कब्रें इधर रखा गया है इस घर के अंदर। यह है राजा दाऊद का कब्र जो आपने अभी अभी देखा। यह है दाऊद का कब्र। मेरे प्यारे भाई और बहनों, द विया डोलोरोसा ये क्या है? ये वही है जिधर प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस को उठाकर गलगथा पहाड़ की तरफ उन्होंने गए थे। ये वही रास्ता है, वही रोड है। आज ऐसा है, उसको ऐसा बनाया गया है। क्या आप देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह जो क्रूस को उठाकर जिधर भी गया था उधर आप देख सकते हैं। सबको जय मसीह की। आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों के साथ मिलेंगे और एक वीडियो में और एक नया टॉपिक में। सबको जय मसीह की।